तो प्रदेश में कल होने वाले मतदान के लिए शिमला जिले के भी 8 विधानसभा क्षेत्रों में तैयारियां पूरी हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 1058 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 16 संवेदनशील मतदान केंद्र भी हैं। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए आज पोर्टमोर स्कूल से पोलिंग पार्टी रवाना हुई है। पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी ने बताया कि सभी पोलिंग स्टेशन के लिए ईवीएम लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और हर पोलिंग पार्टी के साथ पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। बॉर्डर एरिया पर भी वाहनों की चेकिंग की जा रही है और सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। इंटरस्टेट बॉर्डर है हमारे, वो उत्तराखंड के साथ शिमला डिस्ट्रिक्ट का इंटरस्टेट बॉर्डर लगता है और इंटरस्टेट बॉर्डर पे जो है वो स्टेट आर्म्ड पुलिस की तैनाती की गई है। अभी भी चेकिंग चल रही है। अगर आप मेरे कमरे में यहाँ पर देखें तो आईपी एनेबल्ड कैमराज के माध्यम से इंटरस्टेट बॉर्डर्स की चेकिंग हो रही है। कुल मिलाकर जो है वो जगह जगह पे चेकिंग और बॉर्डर इंटरस्टेट बॉर्डर पे चेकिंग, ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण हो, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के हो और जो चुनाव के मानदंड हैं, प्रिमाइस ऑफ लॉ है, उसके अनुसार चुनाव को हम संपन्न करवाएं।